नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूँ भारत के एक हाइपरमार्केट में। ये हाइपरमार्केट एक शॉपिंग मॉल के अंदर बनी हुई है। हाइपरमार्केट के फायदे ये होते हैं कि एक ही छत के नीचे घर का और घर में रहने वाले सभी सदस्यों की ज़रूरत का सारा सामान एक ही जगह पर हमें एक ही बार में खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाता है। यहाँ मिलने वाले अभी मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, जिनकी क्वालिटी मैं हाथ से टच करके क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकें। यहाँ हर वैरायटी का कपड़ा घर के हर सदस्य के लिए मिल रहा है और इन पर टैग्स लिखे हैं कि अगर ये बच्चों का है तो किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये कपड़े बनाए गए हैं। फुटवेयर में अगर हम देखें तो लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सबके लिए यहाँ एक ही जगह पर फुटवेयर भी अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। और उसके अलावा भी आप आगे देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर बैग्स, जिसमें शोल्डर बैग, हैंड बैग, पर्सेस और क्लच, वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरीके की हाइपरमार्केट दुनिया के सभी देशों में बनी होती हैं। ऑफर्स देखिए, चीजें ले सकते हैं। भारत में आजकल इन तरीके की हाइपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए लोग सुविधा इसलिए समझते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर एसी में शॉपिंग कर सकते हैं और ऑफर्स इतने अच्छे अच्छे और बड़ी तादाद में होते हैं कि जिस तरीके से लोकल शॉप से हम शॉपिंग करते हैं तकरीबन उसी रेट में यहाँ पर भी हमें वही सामान उपलब्ध हो जाता है। ये वाला ऑफर तो अविश्वसनीय है। एक की खरीद में हमें यहाँ पर तीन प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो ये वाले ऑफर्स यहाँ पर देख लेने चाहिए क्योंकि एक की पेमेंट में हमें तीन आइटम मिलने वाले हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाले कपड़े की क्वालिटी भी मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ।
अब यहाँ पर क्विल्टिंग वर्क की बेडशीट्स या ब्लैंकेट ये भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब हर मौसम का सामान हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। सिर्फ इन हाइपरमार्केट्स की वजह से हमें ये सुविधा मिली है। अब ये वाली हाइपरमार्केट का काफ़ी हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैंने 1/4 हिस्सा आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब हम सीधे लैंड कर जाते हैं सिंगापुर के एक शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर भास्कर देख रहा है कुछ फुटवेयर और भैरवी भी उसको कंपनी दे रही है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ कि हम भारत में जो शॉपिंग करते हैं उसके लिए हम बिलिंग कराने के लिए काउंटर पर जाते हैं, और जब हम वो सामान खरीद कर बाहर आने लगते हैं तो मेन गेट पर हमको वो बिल चेक कराना होता है कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या आर्टिकल वहाँ से ख़रीदे हैं। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं होता है। वीडियो में बने रहिए और देखिए कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ से खरीदे गए सामान का मेरा आइडिया एकदम सही निकला कि ये सामान कितने डॉलर्स का आएगा, और यहाँ से अब हमने अपने आप बिल करवाया है, उसके बाद हम बाहर निकल गए बिना किसी चेकिंग के। ये बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है सिंगापुर और भारत का। तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियोस देखते रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसी है ये? I don't think मैंने ये खाई है। कैसा? गरम करके और भी अच्छे लगेंगे।